हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। ठीक है, डायल पैड को ओपन कीजिए। अब देखिए, डायल पैड में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर टैप करना है। आपका पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग पर टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको नीचे ये कॉलिंग अकाउंट पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहां पर आपको नीचे की साइड ये कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, ये पेज जो आपका थोड़ी देर इस तरीके से रीडिंग सेटिंग होगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड आपको यहां पे वेट करना है बस खाली। ठीक है ना, देखिए हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन है ना, ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करना है। अब आपका ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा पेज आता है। अब देखिए, इस पेज में जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये मोबाइल नंबर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल फोन में पहले भी एक बार जो कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल किया था, इसलिए नंबर यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ना यहाँ पे एक एंटर करना है। देखिए मोबाइल नंबर कौन सा एंटर करना है, देखिए आपको है ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो ये मैं नंबर ऐसे ही रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो है मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है। ठीक है, और ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन तो मेरा ही, लेकिन ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, ये फैमिली का मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो आपको नंबर एंटर करके इसे टर्न ऑन पे टैप कर देना है। तो आपका यहाँ पे पेज जो अपडेट होगा 10 से 15 सेकंड तक। अब आपको दोबारा से यहाँ पे थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा पेज जो अपडेट हो गया और ये सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर। तो इस तरीके से आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है। अब ये काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा ना, तो वो जो कॉल है ना वो मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आएगी, अब वो कॉल इस वाले नंबर पे चली जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे कॉल जो है इस वाले नंबर पे चले जाएंगे, मेरे मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग इनेबल करी है। ठीक है ना, तो कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है। ठीक है।